आपने भी तो स्ट्रगल किया होगा, कितना डिफिकल्ट समय देखा है आपने, कैसे उसको पार किया आपने हिम्मत से, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने तो जब भी डांसिंग चालू हुआ था तो हम लोग कुछ तो 12 12 13 13 घंटे हम लोग डांस सीखते थे। एक हम लोगों को पैसा भी नहीं मिलता था जब भी सीखने के टाइम पे। और फिर जब इतना कुछ मीडिया था नहीं, बहुत कम डांसर होते थे पहले के गाने में, खाली 20 20 डांसर हुआ करते थे। जब आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 टू 2005, तो 20 डांसर ही हुआ करते थे हर शूटिंग पे, 20 25, या कोई कोई गाने में साल में एक बार आएगा तो 100 डांसर होते हैं। तो वो 20 के अंदर घुसना ही बहुत बड़ा एक स्ट्रगल था, क्योंकि इतने लोग थे। और हम लोग भी, आई वॉज नॉट वेरी गुड, पैसा पैसे मेरे डैड भी नहीं थे, और स्ट्रगल करना था, घर चलाना था, और फिर बाद में जिम भी जाना था। सुबह 6 बजे उठ के जिम जाते थे, फिर 8 बजे जाके शूटिंग करते थे, फिर रात को 10 बजे आते थे, फिर 11 12 बजे सोते थे, फिर 6 बजे उठ के जाते थे। तो ये स्ट्रगल था डांसर में। मैं हम लोगों का बहुत नाम था, ऐसे बेस्ट 4 बॉयज में या हम लोगों का नाम आता था, मुझे पता है ये। और हम लोगों को हर कोरियोग्राफर्स पहला प्रेफरेंस देता था, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी मेंटेन किया था, लुक मेंटेन किया था। और एक्टर्स भी बोलते थे, हाँ ये वाली बात बहुत जरूरी है, कि एक्टर्स बोलते थे कि अरे उसको राज को बुलाओ, रिमेम्बर रिमेम्बर सलमान खान ने बोला था एक बार, अरे उसको बुलाओ डांस में, राज को बुलाओ और इनको बुलाओ करके। सो मैंने तो पहले मना कर दिया था कि मैं एक्चुअली इतना डेट्स लेके रखता था। सो मेरे हिसाब से मैं चूज करता था डांसिंग क्या होता है क्या नहीं। फिर एक्टर्स बोलते थे अरे उसको बुलाओ, फिर जॉन बहुत वेरी क्लोज, शाहिद बहुत वेरी क्लोज, एंड सो ये अच्छा लगता था कि एक्टर लोग, फिर उनके साथ बैठना, फिर सलमान खान के साथ वर्कआउट करना, जॉन के साथ वर्कआउट करना। फिर वर्ल्ड टूर गए हम लोग 2006 में, जॉन क्या बात इब्राहिम है, क्या करीना के साथ हम लोग ने मस्ती मजा किए वो। सो एक जर्नी है, मजा अच्छा लगता है। और हर स्ट्रगल में आदमी कुछ सीखता है, और स्ट्रगल के बाद में आदमी, एवरी स्ट्रगल हैज यू नो गुड, आई गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्ट्रगल। और अभी के आजकल के जमाने में इतना स्ट्रगल है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको इमीडिएटली सक्सेस मिल जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, इमीडिएटली सक्सेस के बाद में एक ड्रॉबैक भी आता है, क्योंकि आप जितने भी रियलिटी शो देखेंगे उनके विनर तो सबको पता है, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो लोग क्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से, ये मुझे उनके बारे में बहुत दुख होता है हमेशा। क्योंकि जितना 4 6 महीना वो लोग रियलिटी शो में रहते हैं तो सब लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, अरे आपका कॉस्ट्यूम है, अरे आपका एक्ट है, आपको सिंग करना है, आपको डांस करना है। और फिर बाद में मैं उनके बारे में तो निकल हो जाता है, फिर उनके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अचानक से दुनिया हट जा चेंज हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। सो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आए हैं उनके लिए भी एक शो बनाना चाहिए। जैसे कि अगर सोनी के चार पांच थर्ड, अगर इंडियन आइडल के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ थे और सारेगामा के सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ थे, तो उनके लिए भी एक शो बनाना चाहिए कि उसमें से कौन विनर होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर वो 6 तक पहुंचे हैं टॉप 6 में तो कुछ तो टैलेंट होगा, तो वो ही पहुंचे हैं। सो मुझे उनके बारे में बहुत बुरा लगता है कि अचानक से दुनिया चेंज हो जाती है उनके सामने। सो आई फील वेरी सैड फॉर देम, बिकॉज मैंने बहुत बार रियलिटी शो में डांस प्लस के इसमें हमेशा मैं जाता था। सो मैं देखता था कि कितने आदमी लोग, बिकॉज डांस में ये होता है कि डांस में बहुत मेहनत होती है, इंजरी होती है और बहुत मेहनत होती है। और जब भी दिल टूटता है, जब भी आदमी कोई जीतता नहीं है करके ना, कोई भी इंडिविजुअल सब लोग जीतने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद उसकी जर्नी क्या होती है, दिस इज वेरी यू नो वेरी डिप्रेसिंग आई थिंक सो। और उनको कैसा संभालना चाहिए, एंड यू नो वो लोग टूट जाते हैं, देन यू नो दे हैव टू लीव मुंबई एंड दे हैव टू गो टू द होम टाउन, और फिर कैसा जर्नी करना चाहिए मुझे पता नहीं है। क्योंकि ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच है।
अच्छा, एक थोड़ा सा चुलबुला सवाल मैं पूछ रही हूँ। मुझे ना आपकी और आपकी धर्मपत्नी की जोड़ी बहुत क्यूट लगती है। आपकी लव स्टोरी कैसे हो गई? मेरी लव स्टोरी तो जब मैं डांस आई थिंक इन 2007 2007 में जब हम लोग, वो भी एक डांसर थी, मैं भी एक डांसर था, तो हम लोग की जोड़ी उधर बन गई, उधर ही बन गई आई थिंक। तो या आई रिमेम्बर 2007 इट वॉज, सो आई वॉज अ डांसर, शी वॉज अ डांसर, आई वॉज अ वेरी नोन डांसर, शी वॉज नॉट नो नोन डांसर। आई लाइक हर नेचर वेरी मच और वेरी हम्बलनेस। और फिर मैंने 2014 में सोच लिया कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो हम लोगों ने शादी कर ली एक्चुअली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी लगती है, बहुत क्यूट लगते हैं आप दोनों साथ में। अच्छा, इस दौरान कुछ एक फैंस जो है, आपका ध्यान वहां लेकर जाना चाहती हूँ। बहुत हर्टती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। ये क्या होता है कि ये लोग बाहर चले गए हैं और मंजूर दिल के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, तो सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, ये नहीं डाल रहा है, वो नहीं डाल रहा है, उन फैंस को क्या कहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इतना अवेयरनेस नहीं है पवन दीपा और गीता में कि ये डालना चाहिए, ये इतना ये डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या डालने से ये होगा या नहीं डालने से ये होगा। अगर मंजूर दिल नहीं भी डाल रहे तो और भी कुछ नहीं डाल रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंजूर दिल ही नहीं डाल रहे। सो दे आर वेरी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है सोशल मीडिया पे पवन दीपा और अनिता, आई नो देम वेरी वेल, सो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो मैं ये समझ सकता हूँ। और उन फैंस को मैं समझाना चाहूंगा कि उन लोग इतना यूज नहीं करते सोशल मीडिया, जो मैंने बोला है पवन दीप और अनिता को कि तुम अपने फैन से इंटरेक्ट किया करो, उनसे बातें किया करो और दोनों मिलके बातें किया करो, सो एंगेज होगा, आपका पता चलेगा। लेकिन उन लोग इतना सोशल मीडिया पे इतना फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि अगर मंजूर दिल अगर नहीं डाला तो उसने और उन्होंने और भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फोटो उन लोग पोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं पोस्ट कर रहे। तो उन फैंस के लिए मुझे बोलने के लिए यही है कि ये लोग छोटे हैं अभी, इनको अभी पहला गाना है ये, सो हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो उनको समझ में आएगा। इसीलिए जब भी पहला हमारा गाना भी लॉन्च हुआ था तो हम लोग ने एक प्रेस मीट रखा, आपको भी बुलाया था, तो लॉन्च के टाइम पे मैंने ये इसीलिए किया था कि सब लोग फैंस को ये सब पता चले कि लोग क्या सोचते और क्या बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फैंस को ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो मंजूर दिल प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंजूर दिल से प्यार नहीं कर रहे, ये उनका नेचर ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा उन लोग कर सके। सर्टनली सर्टनली, हर एक की अपनी अपनी आदत है भाई। अब लोग ना घड़ी बांध कर इंतजार कर रहे हैं कि कब नेक्स्ट गाना आने वाला है, तो कैसे कैसे आपने प्लान कर रखा है? बिकॉज सर्टनली आपने पहले भी कहा है कि उनके भी टूर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट गाना हम लोगों ने शूट करके रख दिया है एंड आई हैव शॉट द सॉन्ग, एंड उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, और दिसंबर के सेकेंड वीक में वी आर प्लानिंग टू लॉन्च। सो आई स्पोक टू पवनदीप, मैंने परसों ही बात की थी उससे, तो शायद 9 तारीख को वो आ रहा है इधर, फिर उसका डेट्स हमारे पास है, हम लोग उस दौरान भी एक गाना करेंगे। फिर दिसंबर में एक गाना आएगा, फिर जनवरी में आएगा, तो ऐसा तो दिसंबर का जो गाना हम लोग प्लान जो डेट्स हैं मेरे पास चैप्टर 10th आई हैव हिज डेट्स, सो उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पवनदीप और अरुणिता कैसा करेंगे गाना। एक सवाल बार बार फैंस की तरफ से आ जाता है, बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों की लड़ाइयां हो गई है। देखिए राजी, आप और मैं इतने सुलझे लेवल पर हैं कि हम हर एक की पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते हैं, वो ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन फैंस का प्यार है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई क्या रूना जी? ये दोनों ऐसे क्यों क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और इतने प्यार से पूछते हैं कि मुझे लगता है अरे बाप रे, काश कि मेरे पास कोई जवाब होता। भाई आप मेरी मदद कर दीजिए इस मामले में। नहीं, इनकी लड़ाई कहाँ हुई है कभी, मुझे नहीं लगता इनकी लड़ाई हुई है, नहीं हुई लड़ाई, लड़ाई का लेकिन सवाल आया कहाँ से, कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, नहीं, लेकिन ये ऐसा इनके कुछ साथ नहीं। फोटो पोस्ट कर रही है, पवन के साथ नहीं है। पवन भी इसके साथ फोटो पोस्ट कर रहा है, दोनों साथ में पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मैं क्या जवाब दूं भाई, मेरी मदद कर दीजिए, ये लोग बहुत प्यारे हैं जो फैंस हैं। फैंस को मैं देखो अभी उन लोगों को अगर साथ में देखना ही है उनको अगर, तो हम लोग गाने के थ्रू तो दिखाते ही उन लोगों को, और फोटो पोस्ट करना नहीं पोस्ट करना इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो गई है करके, लड़ाई
हमने भी 15-20 दिन से अगर पवनदीप से अरुणिता से बात नहीं की, इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग की लड़ाई हो गई। और उन दोनों की स्पेशली मुझे नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, मैं आपके फैंस लोगों को बोलना चाहूंगा, कुछ लड़ाई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक नॉर्मल चीजें है कि इनके साथ फोटो निकालना, उनके साथ निकालना, और कुछ चीज प्राइवेट होती है जो हम लोग इसमें, आई पर्सनली आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द प्राइवेट थिंग्स एंड ऑल, यू नो। और जब मैं भी कुछ पूछता नहीं उन लोगों को कि क्या हुआ है करके, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हुआ है कुछ भी, उनके लड़ाई या कुछ नहीं हुई है। चलिए अच्छा है। आपको आपकी रीडिंग क्या है, लोग इन दोनों की जोड़ी चाहे वो सिंगिंग हो या पर्सनल लेवल पे वो जो दोनों को प्यार मिलता है, क्यों इतना पसंद करते होंगे? मुझे लगता है कि इनकी जोड़ी एक्चुअली, ये लोग दोनों बहुत अच्छे और बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन साथ में आते हैं तब तो सबसे अच्छे दिखते हैं। मतलब ये एक कुदरती है एक्चुअली मेरे हिसाब से, कि साथ में जब ये आदमी जोड़ी बनाता है तो कैसे लगते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए कपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ, अगर एक लड़का सिंगिंग और एक के लिए। लड़का हाँ दोस्त दोस्त भी होता था, तो फिर जैसे कि जय और वीरू की जोड़ी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, जब लोगों ने पसंद की थी बहुत, जब भी शोले में, या हर एक कोई जोड़ी होती है, जैसे कि काजोल और शाहरुख की जोड़ी है, जो भी रियल लाइफ में तो लोगों का कुछ, दोनों की शादी अलग अलग हुई है। सो ये जोड़ी ऐसी है, सो हम लोगों को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हम लोगों को एज अ फैन भी इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसके पर्सनल लाइफ में। हम चाहते हैं कि ये हो जाए या वो हो जाए, लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है कि क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए। इनकी जोड़ी मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन देखते हैं अभी आगे, हर हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता है, कुछ ना कुछ चीजें बदलती है। और फैंस को मैं बोलना चाहूंगा कि आपके थ्रू ही, कि इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, इन लोग साथ में दिखेंगे भी आपको हमेशा, या तो हमेशा साथ में दिखेंगे, या तो फिर टूर करते हुए, अगर अगर लड़ाई होती तो साथ में गाना भी गाते थे, और लोग ये डुएट परफॉर्मेंस भी दे रहे। सो ये भी एक क्लियर हो गया थॉट के ऐसा कुछ नहीं है करके। और जोड़ी इनकी मुझे लगता है कि लोग हमेशा साथ में ज्यादा अच्छे लगते हैं, और मैंने भी बोला है उन लोगों को, तुम लोग साथ में ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, सो अच्छा लगता है ऐसा करके। लवली, चलिए इतनी सारी बातचीत की, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सवालों का सिलसिला नहीं रुकने वाला है, क्योंकि सर्टनली मुझे गाने बड़े अच्छे लगे हैं आपके। कुछ फैंस को एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 20 गानों की शुरुआत हुई है, अभी तो इन दोनों के और गाने हैं। शनमुखा के भी गाने आपने लोगों के सामने लाने हैं, कुछ कहेंगे? शनमुखा का गाना भी है वो, जैसे कि इसके 3 गाने के बाद में शनमुखा का गाना, मैं चाहता हूँ तीनों साथ में एक गाने में परफॉर्म करे, शनमुखा, पवनदीप और अरुणिता, तो उसके बाद में उसके गाने आएंगे। और 20 गाने के साथ साथ उसके बाद में हमारे और गाने, खाली 20 तो इनके साथ है, बाकी हम लोग के और गाने भी है ना, और 20 गाने मैंने और साइन करके रखे किसी और के साथ। फिर हम लोग की फिल्म भी है, मैंने पवनदीप को बोला कि फिल्म के म्यूजिक दे देना तू, तो उसने बोला हाँ हाँ सर आओ, बिल्कुल बोलने की बात है एक बार। हम लोग ने और प्लान करके रखा है कि हम लोग और नेक्स्ट ईयर तक जितने ज्यादा म्यूजिक वीडियो हो सके उतने म्यूजिक वीडियो बनाए, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है। और मैंने जैसे आपको बोला था कि सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का उनका कुछ होता नहीं है, मैंने, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने जब भी इनको भी चुना था, जब भी ये भी लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं जितने ही थे, लोग टॉप 6 में ही थे, तो मुझे नहीं पता था कौन जीतने वाला है या कौन हारने वाला है, मैंने तो प्योर टैलेंट पे ही देखा था। तो ऐसा नहीं है, लोग क्या है कि जैसे कि अभी सब लोग बुला रहे कि अरे जीता फर्स्ट है, सेकंड है, तो थर्ड है, अरे उनको बुलाओ, लेकिन हम, मेरा ऐसा नहीं था विजन, मुझे जो अच्छा लग रहा था मैंने चुना था, और लोग जीत गए, और लोग जीतने के बाद में उन लोगों को फेम अच्छा मिला। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, दे आर डूइंग अ शो एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जितने भी फैंस है अब्रॉड में जो शोज कर रहे हैं और इंडिया में शो करेंगे, प्लीज जाके देखना, उनका आवाज सुनना एक अलग ट्रीट है, लाइव सुनना भी। ऑल द बेस्ट फॉर देम, यू नो, आई एम जस्ट अरुणिता, पवनदीप, आशीष, शनमुख, प्रिया, रानी, स्नेहाल,
I'm just happy for all of them, all not only to all of them actually. चलिए शुक्रिया, बहुत सारा आपको दुआएं भी देते हैं कि आपने जो सपने देखे हैं वो भी पूरे हों, आप ऐसे ही लोगों को मौका देते रहें ताकि वो भी आगे बढ़ते रहें और आपको दुआएं लगती रहें। थैंक यू। हाँ दुआ ही दुआ ही दुआ। देखो पैसा पैसा आता रहता है और जाता रहता है, फेम आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन जो दुआ है वो मिलना जरूरी है सब लोगों से। सो प्लीज ऑल योर फैंस, ऑल जितने भी फैंस है, पवनदीप, अरुणिता, दानिश, साइली और जितने, प्लीज आपस में लड़िए मत, है ना। और आपसे सवाल पूछते रहते हैं कि झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, काम में इतने सब लोग बिजी रहते हैं कि झगड़े का टाइम ही नहीं होता है। सो आपको तो पता है कि कैसा कैसा होता है करके, ऐसी कोई लड़ाई या किसी के बीच में नहीं है, एक हवा बनाया जाता है कि फैंस लड़ते रहते हैं और किसी किसी को अच्छा लगता है लड़ने के लिए, और किसी किसी को इसमें नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक्स लॉट, शुक्रिया इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी। थैंक यू।